देखिए बोकस सिंह का हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, ये बोकस सिंह का हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ लोग घर खाली करते चले आते, कुछ लोग सिटी पर रहते और वोटर आई डी कार्ड रहते, और जैसा कि बुरखों में लोग रहते हैं क्योंकि नहीं पहचानते हमारे अम्मा बहन, तो उनसे कुछ लोग थोड़े पैसे दे के पैसों की आस बता के भाई आपका नाम ये है, शोहर का नाम ये है बोल के उनसे बुकसिंग कराते। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है पूरी ईमानदारी से सच्चाई से अपना वोटर आई डी कार्ड लिया के अपना नाम बोल के करना। PCR गोड में भी ऐसी काम करी है, जितने भी हल्के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बगैर बुकसिंग के कोई नहीं जीतता। जैसा कि बाबा है, बेटे का वोट डाल रहे, बेटा बाबा का डाल रहे, चल रहा, क्योंकि सब खरीद जाते, खरीदने के बाद अपनी मनमानी चलती रहती, तो ईमानदारी से करना। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो रजिस्ट्रियों का निकला है, जो हुकूमत ज़बरदस्ती जो गरीबों पर जुल्म कर रही है, थोप रही है LRS, क्योंकि ये गरीब आदमी 100 गज का अगर घर है, दो रूम है और फैमिली ज़्यादा है, एक रूम बनाने पैसे नहीं है, तो उन्हें ये LRS कहाँ से बनेंगे। तो KCR साहब नए नए स्कीम ला के गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। COVID-19 के टाइम पे भी कभी कोई साथ नहीं दिए, लाइट के बिलों का मसला था वही करे, शराब के दुकाना खोल दिए, तो बहुत सारे मुद्दे जो है, मस्जिदों का मसला आया, सेक्रेटरी के कुछ काम नहीं कर रहे, खाली वादे कर रहे हैं। 12% रिजर्वेशन माइनॉरिटी को देते बोले वो नहीं दिए, जुडिशियल पावर वोट को देते बोले नहीं दिए, तो ये क्या है। हुकूमत जो है कोई अपने वादे पे कायम नहीं है, तो मैं हुकूमत से ये बोलना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल वापस लेना आप, और इसको बिल्कुल वापस ले लेके आप वो करिए, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर आपको आवाम अच्छा जवाब देंगी। और परसों मैसरम कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मस्जिद का मसला था, वहाँ पर हमारे उस्मान मोहम्मद खान और मतीन शरीफ साहब जाकर वहाँ पे भी मस्जिद आबाद कर रहे हैं, और हयात नगर में परसों वहाँ पे भी एक मस्जिद को आबाद कर रहे हैं, मस्जिद पूरी बिस्मार कर दिए थे उस्मान मोहम्मद खान, हमारे कांग्रेस के मतीन शरीफ, कांग्रेस के सीनियर लीडर और वहाँ के श्रीनिवास गौड़, वो लोग मिल के वहाँ की मस्जिद को वो कर रहे हैं, तो ये क्या है। मैं KCR साहब से ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जहाँ पर भी आपका फायदा दिख रहा है वहाँ पर आप ये काम कर रहे हैं, कोई अपने वादे पे कायम नहीं है, आप कोई वादे पे कायम नहीं है, तो कोई सी बात पे भरोसा करना आपके। तो मैं आपको यही दोबारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड कर रहा हूँ, और कांग्रेस पार्टी पूरी जितने भी हमारे सीनियर है, उत्तम कुमार रेड्डी साहब, शब्बीर अली साहब, हमारे फिरोज खान साहब, जितने भी है, हम ये बिल की मुखालिफ करते हैं, और ये बिल जो है गरीबों के ऊपर एक जुलूम है। तो ये गरीब आवाम जो है ऑटो चलाते, रक्षा चलाते, गरीब आदमी रजिस्ट्रियाँ बनो बन रहे, LRS ला रहे हैं, ये कई को ऐसा हर बार में आप हर महीने में एक नया आप देते जा रहे हैं, तो मत करिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आवाम फिर अच्छा सबक सीखेंगे आपको, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट और आप फेल हो गए KCR साहब, ये जुल्म मत करिए आप। और मैं कांग्रेस पार्टी से ये डिमांड करता हूँ, जो पार्लियामेंट में भी 3 बिल पास हुए हमारे फिरोज खान साहब जो आवाज़ उठा रहे हैं, उसकी भी हम मुखालिफ करते हैं, और जब जब गवर्नमेंट गरीबों के वास्ते या डबल बेडरूम बोले कुछ भी नहीं दिए, तो कोई वादे पे आप कायम नहीं है। तो हम जितने भी कांग्रेस के हमारे सीनियर हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये बिल के बारे में जो आवाज़ उठा रहे हैं, उस्मान मोहम्मद खान साहब, मतीन शरीफ साहब और फिरोज खान साहब, पूरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में किसान बिल पास हुआ जी, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, आप क्या स्टैंड है पार्टी का? जी देखिए, राज्यसभा में जो बिल किसानों का जो पास हुआ है बगैर वोटिंग के, तो ये हमारे कुछ MP भी मुअत्तल हुए हैं, मगर हम किसानों के बारे में जहाँ तक हो सके सूली भी चढ़ने गए, क्योंकि मोदी हुकूमत जो है वो लोग भी तानाशाही चला रहे हैं, और यहाँ पर KCR साहब तानाशाही चला रहे हैं, क्योंकि किसानों का मसला ऐसा रहता, जो धान जो पीकते हैं, जो काम करते हैं, उन्हें वहाँ से भेजे तो अब लोग पूरा लोग आवाम जो है खाते हैं, तो वो बिल्कुल आप भी पास नहीं कर रहे, क्योंकि तानाशाही आपकी इतनी हो गई, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी साहब जो चाहे कर रहे हैं और आप यहाँ कर रहे हैं, ये मत करिए। कम से कम किसानों का तो भी आप साथ दीजिए, और हम ये बिलों के ख़िलाफ़ है, और हम जितने भी कांग्रेस पार्टी के हमारे हैं, हम लोग इसके लिए सूली भी चढ़ने तैयार है, और ये सबके लिए हम कांग्रेस पार्टी से डिमांड करते हैं, हो सका तो हम जहाँ तक हो सके एहतजाज भी करेंगे, और इंशाल्लाह यहाँ की गवर्नमेंट को बता देंगे हम। बोगस वोटिंग के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है हैदराबाद में, आप यहाँ पर क्या मुहिम चल रहा है? जी देखिए, बोगस सिंह का हर कॉन्स्टिट्यूंसी में है, ये बोकस सिंह का हर कॉन्स्टिट्यूंसी में
कुछ लोग घर खाली करने से चले आते, कुछ लोग सिटी पर रहते और वोटर आईडी कार्ड रहते, और जैसा कि बुरखों में लोग रहते हैं क्योंकि नहीं पहचानते हमारे अम्मा बहन, तो उनसे कुछ लोग थोड़े पैसे दे के, पैसों की आस बता के, भाई आपका नाम ये है, शोहर का नाम ये है, बोल के उनसे बुकसिंग कराते। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से, अपना वोटर आईडी कार्ड ले आके अपना नाम बोल के करना, क्योंकि उसको जीत बोलते। ये बुकसिंग करने से कुछ नहीं है। केसीआर गवर्नमेंट भी ऐसी काम करी है। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हमारे चीफ एडिटर साहब से, जो इलेक्शन कमिश्नर के हैं, आप जो हमारे फिरोज खान साहब और जितनी भी हमारी टीम कांग्रेस की जो आवाज़ उठाए हैं ये बुकसिंग के बारे में, और हाईकोर्ट में हम केस भी डाले हैं, आप जब वोट डालने जाते हैं वहाँ फिंगरमेंट लगाइए। फिंगरमेंट लगाने से वोट कौन डाल रहे, क्या है, लाल लाइट और ग्रीन लाइट आ जाती है, उससे हमको मालूम आता है। हमारा भी मुतालिबा है, हम इलेक्शन कमिश्नर से भी यही बोलना चाह रहे हैं कि कम से कम बोकसिंग को रोकिए और ईमानदारी से वोटिंग होने दीजिए। जितने भी हलके हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बगैर बोकसिंग के कोई नहीं जीतता, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। तो लिहाजा आप जितने भी हमारे सियासी जमात है, मैं पूर्व से यही बोलना चाह रहा हूँ, ये आप जितने भी है बोकसिंग के बारे में आवाज़ उठाइए आप। और जैसा कि बाबा है, बेटे का वोट डाल दे रहे हैं, बेटा बाबा का डाल रहे हैं, चल रहा, क्योंकि सब खरीद जाते, खरीदने के बाद अपनी मनमानी चलती रहती, तो ईमानदारी से करना। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में यही आलम है, सिटी हो रो या आरआर डिस्ट्रिक्ट हो या होल सिटी हो, हर जगह यही है। तो हम इसके लिए एहतजाज शिद्दत से करेंगे और हाईकोर्ट में भी और केस डालेंगे। और आधार कार्ड और वोटर आई डी कार्ड को लिंक करना, तो उससे क्या होता बोले तो वोट कौन डाल रहे हैं क्या है मालूम होता। मेन ये मुद्दा नहीं कर रहे हैं, बैंकों में कर रहे हैं, आप कहीं सिम लेने गए तो कर रहे हैं, आधार कार्ड नया निकालना है तो लिंक है क्या पूछ रहे हैं, जबकि ये एक मुद्दा है, एक जिम्मेदार आदमी को बना के इलेक्शन जीतते, तो ये मुद्दे पे आप लिंक नहीं कर रहे हैं, ये लिंक कराइए। हम जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे हम यही गुजारिश करें, इसको भी लिंक कराइए आप, करा के पूरी ईमानदारी से इलेक्शन होना, जीत हार तो अल्लाह के हाथ है, और ये हमारा ये है कि इसको आप लिंक होना है। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General, Harya. Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.